1987 में आज ही के दिन दुनिया की आबादी ने 5 अरब का आंकड़ा छुआ था और इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के दिन को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। भारत और चीन समेत दुनिया के कई विकासशील और विकसित देश बढ़ती जनसंख्या से परेशान हैं। विकासशील देश अपने लोगों की जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के बीच सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, तो विकास की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे देशों के लिए आबादी का तेजी से बढ़ना बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र बढ़ती जनसंख्या से पैदा होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक केवल भारत में हर मिनट 25 बच्चे पैदा होते हैं। भारत ने अपनी तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की दर कम करने के लिए जल्दी से कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 2030 तक वह विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र बन जाएगा। आज ही के दिन 1922 में हॉलीवुड बाउल की स्थापना हुई। हॉलीवुड संयुक्त राज्य अमेरिका के फिल्म उद्योग का नाम है। इसका नाम कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के एक जिले के नाम पर रखा गया है, जहां बहुत सारे फिल्म स्टूडियो स्थापित हैं। 19वीं शताब्दी में थॉमस अल्वा एडिसन ने काइनेटोस्कोप की स्थापना की और इसके पेटेंट के सहारे फिल्म निर्माताओं से काफी ज्यादा फीस मांगी। इनसे बचने के लिए कई फिल्म कंपनियां कैलिफोर्निया के हॉलीवुड जिले में आकर स्थापित हो गईं। आजकल अधिकतर फिल्म उद्योग बू बैंक में चला गया है, लेकिन बहुत से काम अभी भी हॉलीवुड में ही होते हैं। हॉलीवुड का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार अकेडमी पुरस्कार है, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आज ही के दिन 1961 में दादर नागर हवेली का भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। गोवा की तरह यह इलाका भी कई साल पुर्तगाली प्रभाव में रहा, पर एक दिन ऐसा आया जब यहाँ भी भारत के तिरंगे को जगह मिली। नागर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बसा है, तो वही दादर गुजरात के गर्भ क्षेत्र यानी भीतरी इलाके में आता है। इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी सिलवासा है। सन 1779 तक मराठाओं ने यहां अपना अधिकार जताया और 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य ने इसे अपने शिकंजे में रखा। भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो यहां की मुख्य नदी दमन गंगा है। अधिकतर इलाका पहाड़ी है और हिल स्टेशन की शक्ल लिए हुए हैं। पूर्वी हिस्से में पर्वत श्रृंखला आ जाती है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। आज ही के दिन 2003 में भारत के प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी का निधन हुआ था। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों के सदैव हिमायती रहे। पाकिस्तान के एक पंजाबी परिवार से संबंध रखने के बाद भी इतनी अच्छी तरह से हिंदी भाषा पर पकड़ होने के चलते कई बार कुछ साहित्यकार उन्हें शक की नजर से भी देखते थे, लेकिन उनका काम अपनी आवाज से सबको किनारे बिठा देता था। भीष्म साहनी ने 16 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। सईद अख्तर मिर्जा की एक फिल्म मोहन जोशी हाजिर हो में भी साहनी साहब ने अभिनय किया था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे छरोखे, कड़ियां, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतों में से उपन्यास तमस पर सन 1986 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। सन 1998 में लेखन के क्षेत्र में भीष्म साहनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।